वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के ऑल इन का सेमी मेन इवेंट शुरू होने वाला है, जहां पर आज AEW के ऑल इन के सेमी मेन इवेंट के ऊपर AEW का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज यहां पर AEW के ऑल इन पर होने वाला वुमेन टाइटल मैच AEW हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बिल्डेड मैच है, क्योंकि इस मैच के अंदर वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म उनका टाइटल उनके ही फॉर्मर असिस्टेंट मरिया मे के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और लास्ट ईयर मरिया मे के AEW को ज्वाइन करने के बाद मरिया मे ने जिस तरीके से AEW के अंदर टोनी स्टॉर्म के अंडर काम करना शुरू किया, उसके बाद किसी को भी नहीं लगा था कि मरिया मे आगे चलकर टोनी स्टॉर्म पर हील टर्न करेंगी। बट गाइस, 2024 ओवन कप टूर्नामेंट को जीतने के बाद मरिया मे जैसे ही टोनी स्टॉर्म के टाइटल के नंबर वन कंटेंडर बनी, मरिया मे ने उनका असली रंग दिखाया और वो यहां पर टोनी स्टॉर्म पर हील टर्न करती गए। और पिछले दो महीनों से AEW के अंदर मरिया मे और टोनी स्टॉर्म के बीच में लगातार ब्रॉल चल रहे थे, और लगातार इन दोनों के ब्रॉल करने के बाद आज फाइनली ऑल इन के ऊपर ये दोनों रेसलर आमने सामने होने वाले गए। और बात करें इन दोनों के टाइटल मैच के विनर की, तो गाइस टोनी स्टॉर्म को AEW में वुमेन चैंपियन बने अब यहां पर करीबन एक साल होने वाले गए, और इसीलिए आज यहां पर ऑल इन के ऊपर इस चीज के 99% चांसेस है कि मरिया मे टोनी स्टॉर्म को हराकर AEW की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बनेंगी। और ऑल इन के ऊपर AEW के वुमेन डिवीजन का एक नया रेवोल्यूशन चालू होगा।